गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 5 हमारा सौर मंडल पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में एक विद्यार्थी स्टूडेंट के द्वारा अपने अध्यापिका से सौर मंडल को लेकर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर अध्यापिका दे रही है। सभी विद्यार्थी जिस क्लास में अपने अपने मन में जो इच्छा उठ रही है उसके हिसाब से उसके प्रश्न पूछ रहे हैं सौरमंडल के बारे में और सम्माननीय अध्यापिका उनके आंसर दे रही। प्रस्तुत में अब तक हमने पढ़ा किस तरह गोलू नाम का एक लड़का था, स्टूडेंट था, उसने पूछा कि हमारी पृथ्वी गोल है तो अध्यापिका ने इसका आंसर देते हुए कहा कि हाँ, मेजरिन नामक एक यात्री ने पृथ्वी के इर्द गिर्द समुद्र यात्रा की थी, वह जहाँ से चला था घूम फिर कर वापस वहीं आ गया था। तभी एक गोलू ने वापस आंसर किया, क्या पृथ्वी चारों ओर घूमती है? तो अध्यापक ने कहा हमारी पृथ्वी घूमती है और इसी कारण से दिन रात और ऋतु में भी बदलती रहती है। इस प्रकार किसी ने सूर्य की दूरी पूछी, किसी ने सूर्य की लंबाई चौड़ाई पूछा, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है उसका आकार पूछा। इस प्रकार सभी विद्यार्थी अपने अपने जिज्ञासावश जो जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं उन वह प्रश्न उनको अध्यापिका से कर रहे हैं, उनका आंसर अध्यापिका दे रही। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक किरण ने पूछा कि मैडम, वैज्ञानिक इन तारों को कैसे देखते हैं? अध्यापक ने बताया इसके लिए वे दूरवीक्षण यंत्र था टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। रमेश कहता है कि एक छोटा सा टेलीस्कोप तो हमारे घर में भी, अर्थात हमारे घर में भी टेलीस्कोप रखा हुआ है जिससे हम लोग तारे देख सकते हैं। अध्यापिका बोली तारों आदि को देखने के लिए बहुत बड़े टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात छोटे मोटे टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए हमें बड़े टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हैं और दूर होने के लिए बड़े ही हाई प्रोफाइल हमें जरूरत पड़ती है। कुछ टेलीस्कोप इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर बैठा भी जा सकता है। अध्यापिका कहती हैं कि इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं कि हम उनके अंदर बैठ भी सकते हैं, अर्थात हमारी लंबाई चौड़ाई से भी बड़े टेलीस्कोप होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर पर होते हैं तो हमें शक्तिशाली टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है ग्रह उपग्रहों को देखने के लिए। तभी गोलू कहता है कि मैडम, मेरी दीदी कहती है कि सूर्य जलती हुई गैसों का गोला है, क्या ये भी सही है? हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य है, अध्यापिका ने उत्तर दिया। अध्यापिका क्या कहती हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि क्या है, सूर्य एक जलता हुआ आकाश का गोला है, अर्थात सूर्य जलती हुई गैसों का गोला, यह बात सत्य है। तो गोलू बोला तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैडम, जैसे मनुष्य चांद पर पहुंच गया वैसे सूर्य पर भी जा सकता है? अध्यापिका बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य के लगभग पहुंचते ही हम सब कुछ गैस बन जाएंगे क्योंकि उसका तापमान इतना ज़्यादा है, हम उस तापमान को टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते हैं और हम उससे भस्म भी जलकर भस्म हो सकते हैं या गैस के रूप में बदल सकते हैं। क्या तुम जानते हो सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? अर्थात लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान होता है, अर्थात सूर्य की सतह का जो तापमान है, सूर्य का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि भारत में जब तापमान सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है तो यहाँ झुलसाने वाली अर्थात गर्म हवाएँ चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। जब हमें 40 से 48 तक के बीच का टेम्परेचर ही सहन नहीं होता है तो हम लोग किस प्रकार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य है सूर्य पर हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां का तापमान बहुत ज़्यादा है, वो अधिक तापमान होने के अधिक गर्म होने की वजह से कोई भी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुँच सकता। उसी से तुम सूर्य के धरातल के तापमान का अनुमान लगा सकते हो किस तरह से, जब भारत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी गर्मी होती है तो सोचो उस अनुमान लगाइए आप केवल कि सूर्य पर कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी। मैडम, यह सूर्य नहीं होता तो क्या होता? दूसरा स्टूडेंट पूछता है। तो मैम कहती है कहीं कुछ भी नहीं होता, अर्थात चारों ओर अंधेरा होता। और तो अध्यापक कहती है कि जब अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारी धरती पर जो सूर्य से जीवन है वह जीवन भी नहीं होगा, सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अध्यापिका ने इसलिए कहा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे हैं वे सभी भोजन
सूर्य से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से लेते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो अनाज होगा, ना हमारे लिए ऑक्सीजन की सुविधा होगी, चारों रात होगी, पृथ्वी का तापमान अत्यधिक गिर जाएगा जिसकी वजह से यहाँ जीवन ही संभव नहीं। तभी स्टूडेंट पूछता है, वह कैसे मैडम? बंटी ने बड़े ही भोलेपन से मैडम से पूछा, तुम्हें पता है बंटी, हम सूर्य को देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि धरती पर जो कुछ भी है सब सूरज की कृपा से, अध्यापिका ने बताया। हम भगवान क्यों कहते हैं? अर्थात जो हमें जीवन देता है, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे सूर्य हो, हम उन सबको प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उन्हें ईश्वर के रूप में ही पूजते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होता। जिस प्रकार माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, वैसे सूर्य के द्वारा भी हमारी धरती का पालन पोषण किया जाता है। सूर्य के द्वारा सभी पेड़ पौधों को, प्राणियों को ऊर्जा दी जाती है जिससे हमारा जीवन संभव है। इसलिए हम उस सूर्य के प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए उसे भगवान का रूप देते हैं और उसे उसकी पूजा करते हैं। कैसे मैडम? बंटी ने कहा। अध्यापिका उसे बताती, देखो बंटी, सूरज के बिना तो जीवन ही असंभव है, क्यों? अगर सूरज नहीं होगा तो इस धरती पर जीवन ही नहीं हो सकता है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार, अर्थात अंधेरा ही अंधेरा होगा, सूरज ही हमें प्रकाश देता है, इसलिए हम उसे प्रकाश का देवता भी कहते हैं। अर्थात सूर्य को प्रकाश का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, इसलिए हम उसे प्रकाश का देवता कहते हैं। हम अग्नि को भी देवता कहते हैं क्योंकि हमसे उसे अग्नि की प्राप्ति होती है और बिना अग्नि के हम हमारा भोजन नहीं बना सकते, इसलिए हम उसको सम्मान देने के लिए अग्नि को भी देवता कहते हैं। हम हमारी भारतीय संस्कृति में जल को भी ईश्वर का रूप माना गया है, अन्न को भी ईश्वर का रूप माना गया है कि दोनों से ही, अन्न और जल के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमने हमारी प्रकृति ने, हमें संस्कृति ने हमें प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करना सिखाया है और इसलिए हम हमारे सम्मान को प्रकट करने के लिए प्रकृति में निहित हुए सभी पदार्थ जो हमें जीवन देते हैं, जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारा कल्याण जुड़ा हुआ है, उन सबको हम ईश्वर के रूप में पूजन करते हैं, अर्थात ईश्वर के रूप में उनका सम्मान करते हैं। अगर सूरज नहीं होता तो न तो हमें भोजन मिलता, न पानी मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी पाकर ही पेड़ पौधे उगते हैं। सूरज की गर्मी से ही अनाज फल आदि पकते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो ना तो अनाज पकेगा और ना ही पेड़ पौधे होंगे, ना हमें फल खाने को मिलेंगे, न पीने को पानी मिलेगा और न भूख मिटाने के लिए हमें भोजन की प्राप्ति होगी। इसलिए अध्यापिका ने कहा था कि सूरज के बिना इस पृथ्वी पर बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं है, बिना सूरज की हमारी पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अध्यापिका के इस प्रकार उत्तर देने पर संतुष्ट हुए विद्यार्थियों में से रिंकी पूछती है अध्यापिका से, तो क्या वर्षा भी सूरज के कारण होती है मैडम? रिंकी ने बड़े उत्सुकता से पूछा, अर्थात बड़ी प्रसन्नता से पूछा, बड़े जानने की इच्छा से पूछा कि अगर सूरज नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर बारिश भी नहीं होगी मैडम। अध्यापिका ने कहा, हाँ बिल्कुल, गर्मी में सूर्य की किरणें अधिक तेज होती तो उसकी गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, भाप से बादल बनते हैं और बादल ऊपर के ठंडे वातावरण में जाकर वह बारिश कर देते हैं और वर्षा हो जाती है। कई बार अधिक ठंडे होने के कारण ये वाष्प कण बर्फ में भी बदल जाते हैं, इसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। अर्थात हमारे देश में जब भी कभी ओलावृष्टि होती है तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बादल अधिक ठंडे होने के कारण बरस जाते हैं और वह ओलावृष्टि कर देते हैं। भाप के बादल हवा के सहारे उड़ते चले जाते हैं, उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियों से टकराकर ये बादल सारे देश में वर्षा करते हैं। अर्थात हिमालय पर्वत के कारण ही हमारे देश में बादलों से वर्षा होती है। पानी बरसने से गर्मी तो कम होती है, धरती भी जैसे जाग जाती है, अर्थात गर्मियों में चारों ओर उदासी छाई हुई रहती है, परंतु जैसे बारिश होती है चारों ओर हरियाली चहक उड़ती है, पशु पक्षी चहक उड़ते हैं, कोयल गा उड़ती है, ऐसा मानो ऐसा लगता है जैसे धरती भी सोई हुई थी और बारिश आते हैं वह भी जाग जाती है, नींद से उठ जाती है, धरती भी जाग जाती है, वह कैसे? गुंजन ने पूछा। अध्यापिका कहती हैं, गर्मी से
सूखी ज़मीन में पानी पड़ता है, उसमें पड़े बीज अंकुरित हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, किसान खेतों में हल चलाकर उसमें अनाज बो देते हैं और इस प्रकार जीवन निरंतर चलता रहता है। अध्यापिका ने कहा, अर्थात बादलों से वर्षा होती है और वर्षा से जो धरती पर यहाँ वहाँ पेड़ों के पौधों के बीज पड़े हुए रहते हैं धरती के ऊपर, वह पानी को प्राप्त करते ही उग अंकुरित हो जाते हैं और इस प्रकार चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं पृथ्वी जाग उठती है। फिर तो सचमुच मैडम ये सूरज हमारा जीवन है, हमारा भगवान है, बच्चों ने एक साथ कहा। क्यों कहा? क्योंकि सूरज हमें जीवन देता है और जो जीवन देता है वह ईश्वर के समान होता है, इसलिए सभी बालक कह रहे हैं कि सूरज हमें जीवन देता है, इसलिए हमारा भगवान है, भगवान के समान है। अध्यापिका बोलती हैं, हाँ बच्चों बिल्कुल आपने सही कहा, अंधकार को मार भगाने वाला अर्थात जिसके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है वही सूरज हमारे जीने का आधार है और वही ईश्वर है। धन्यवाद।